नमस्कार दोस्त, राघव सर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर भारत के विशाल मैदान के दूसरे भाग को देखेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला है। इसके अध्ययन को हमने दो भागों में बांटा था। इसकी पहली वीडियो को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, जो कि उत्तर भारत के मैदान का पार्ट वन है। आज हम इसके पार्ट टू और अंतिम भाग की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, वास्तव में अगर हम देखें तो भारत के मानचित्र में अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह से फैला हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा इधर जो है पूरे मध्य भारत को अगर देखा जाए तो, चूंकि हम जानते हैं कि हिमालयी क्षेत्र था, हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में जो भाग फैला है, समतल भाग फैला है, उसे ही उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। देखिए, उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम चार भागों में बांट के देखते हैं। पहला भाग है राजस्थान का मैदान। देखिएगा, इसे राजस्थान का मैदान कहते हैं। देखिए इस क्षेत्र को, ये क्षेत्र है, इसे राजस्थान का मैदान कहेंगे। दूसरा है पंजाब हरियाणा का मैदान, इसे सतलज यमुना का मैदान भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा है गंगा का मैदान और चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो हम प्रारंभ से अध्ययन करते हैं, पहले भाग को इसे लिखेंगे, राजस्थान के मैदान, राजस्थान का मैदान। देखिए, वास्तव में जो राजस्थान का मैदान है कुछ इस तरह से फैला हुआ है। ये देखिएगा, राजस्थान के का मैदान मुख्यतः यहाँ पे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में फैला हुआ है, अरावली के पश्चिम में फैला हुआ है। देखिए, इस तरह से अगर हम अरावली को माने तो अरावली का विस्तार है इधर, और इसके पश्चिम में आपका राजस्थान का मैदान है। यहां पर एकमात्र नदी जो बहती है उनका नाम है लूनी नदी। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको ध्यान से, इस क्षेत्र को अगर देखेंगे आप मैप में, तो आप समझ पाएंगे इस क्षेत्र का जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इस क्षेत्र का ढाल है। हम जानते हैं कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, वास्तव में वह एक जल विभाजक का कार्य भी करती है, ठीक है। तो इसके जो पश्चिम वाला पोर्शन है, वहां पे जो ढाल है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, तो यहां जो एकमात्र नदी लूनी नदी बहती है उनका जो है बहाव दक्षिण पश्चिम की ओर है। लूनी नदी हम जानते हैं कि ये राजस्थान में जब बहती है और जाती है तो हम जानते हैं ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। कच्छ का रण एक दलदली क्षेत्र है जहां पर यह विलुप्त हो जाती है। यही ये क्षेत्र का निर्माण करती है, एक तरह से मैदानी क्षेत्र है। हालांकि हरियाणा का, राजस्थान का जो मैदान है, वास्तव में ये पाकिस्तान भारत की जो सीमा है वहां तक फैला हुआ है, इसमें कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र भी आता है। तो राजस्थान का मैदान का जो क्षेत्रफल है वास्तव में लगभग वो 175,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है। इस क्षेत्र में बालू के टीले की प्रधानता होती है, बालू के टीले बन जाते हैं। हम जानते हैं जैसे बरखान होता है चीन में, हम जानते हैं बालू के टीले होते थे जो लोयस कहलाते थे, ठीक है। और यहाँ के प्रमुख नदी है लूनी। राजस्थान के इस मैदान में जो प्रमुख झीलें हैं उनको जरा सा हम देखते हैं। एक झील है सांभर झील, खारे पानी की। ये सभी झीलें खारे पानी की झील है। सांभर झील, देगना झील, डीडवाना, कुचामन, लूकरणसार, ये प्रमुख झीलें हैं। इनमें सांभर झील जो है सबसे बड़ी झील है। सांभर झील जो है भारत के अंतर भाग में अगर देखा जाए तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका विस्तार राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ये अब हम बात करेंगे पंजाब हरियाणा मैदान की, जिसे सतलज यमुना मैदान भी कहते हैं। देखिए, पंजाब हरियाणा जो मैदान है, वास्तव में इसको चित्र में अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। इसका विस्तार कुछ
एक्चुअल में कुछ थोड़ा से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा ये इधर यमुना नदी है बहती है और हम जानते हैं इधर सतलज नदी भी से बहते हुए जाती है। यमुना नदी इसके पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। यमुना नदी, ध्यान दीजिएगा, यमुना नदी इसके पूर्वी सीमा का निर्धारण कर रही है। देखिएगा ये यमुना नदी बह रही है यहां पे, तो ये जो यमुना नदी है इसके पूर्वी सीमा का निर्धारण कर रही है, जबकि यहीं पे जो अरावली है ये इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। ध्यान दीजिएगा अरावली, हम जानते हैं कि वास्तव में जो पंजाब हरियाणा मैदान है ये पंजाब हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। पंजाब हरियाणा के साथ साथ दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, पंजाब हरियाणा दिल्ली कुछ क्षेत्र अगर देखें ऊपर की ओर तो हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के नियर अबाउट, हिमाचल प्रदेश के नियर अबाउट थोड़ा थोड़ा कुछ मैदान यहाँ पे इसका विस्तृत है। इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो बांगर क्षेत्र की मिट्टी मिलती है, जो बांगर क्षेत्र खादर की मिट्टी मिलती है क्योंकि ये दोआब क्षेत्र होता है जहां पे यहाँ पे दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है दोआब, इनमें से कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जो बांगर क्षेत्र निर्मित हो जाता है। बांगर क्षेत्र बांगर वह क्षेत्र होता है जहां पर बाढ़ का पानी बार बार नहीं पहुंचता है। हालांकि इसमें कुछ क्षेत्र में खादर क्षेत्र भी मिलता है, खादर खादर वह क्षेत्र होता है जहां पे बाढ़ का पानी बार बार पहुंचता है। ठीक है, खादर मैंने बताया था दूसरा अक्षर है खा का ख, दूसरा अक्षर यानी दो बार कम से कम बाढ़, यानी कि एक से अधिक बार बाढ़, खादर बार बार बाढ़ आती है। तो चूंकि क्षेत्र है दोआब क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्र मैदानी क्षेत्र जो है दोआब का है, और तो यहाँ पे खादर क्षेत्र भी मिलता है। हालांकि 10 से 12 किलोमीटर का क्षेत्र होता है खादर वाला, उसको यहाँ पे बेट भी कहते हैं। बेट 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र जहां बार बार बाढ़ आती है उसे यहाँ पे बेट भी कहते हैं। ठीक है, इस पंजाब हरियाणा के मैदान में जो प्रमुख दोआब पाए, तो यहाँ पे जो दोआब होता है दोआब वह क्षेत्र होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, वो उपजाऊ क्षेत्र होता है जो कि दो नदियों के बीच में स्थित होता है। हमने पहले ही चर्चा किया था इसकी। यहाँ के जो प्रमुख दोआब पाए जाते हैं अगर देखें, एक दोआब है चार्ज, चार्ज दोआब किसे कहते हैं, जहां पे चेनाब और झेलम मिलती है, चेनाब नदी और झेलम नदी मिलती है, समझेगा, चेनाब और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उपजाऊ क्षेत्र उसे चार्ज कहते हैं, जहां रावी और चेनाब का क्षेत्र होता है उसे कहते हैं रचना दोआब, जबकि जो ब्यास और रावी नदी का क्षेत्र होता है उसे कहते हैं बारी दोआब, और जहां ब्यास और सतलज नदी का उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे कहते हैं बिस्ट दोआब। ठीक है, देखिए तो ये जो दोआब है यहां पे फैला हुआ है, इधर देखिए रावी नदी आती है, रावी नदी इसके ऊपर आप जानते हैं रावी के ऊपर चेनाब है, चेनाब, तो रावी और चेनाब के बीच जो दोआब क्षेत्र है उसे कहते हैं रचना दोआब। ठीक है, रावी और ब्यास का क्षेत्र होता है उसे कहते हैं बारी दोआब। ठीक है, और बिस्ट किसे कहते हैं, ब्यास और सतलज वाले क्षेत्र को। ठीक है, अब देखिए ये जो नदियों का उपजाऊ क्षेत्र होता है दोआब क्षेत्र होता है यहाँ पे काफी दूर तक विस्तार है, समझेगा, और ये पंजाब हरियाणा क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र बनाती है, और हम जानते हैं यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, और आप इससे ये भी जानते हैं कि जो द्वितीय हरित क्रांति थी इस क्षेत्र में काफी विकसित हुई थी, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, हरियाणा पंजाब आज वर्तमान में भी कृषि क्षेत्र में अग्रणी है। ठीक है, इसका अगर विस्तार थोड़ा सा देखें, इसका विस्तार भी लगभग 175,000 वर्ग किलोमीटर है, और इसका देखें तो इसका पश्चिमी क्षेत्र जो होता है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र वो ज्यादा विस्तृत है, 640 किलोमीटर तक है, जबकि जो पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र है वो लगभग 300 किलोमीटर क्षेत्र तक ही फैला हुआ है। ठीक है, तो ये था पंजाब हरियाणा हिमालय। इसके बाद हम बात करेंगे गंगा के मैदान की। तो गंगा का मैदान है इसका विस्तार अगर हम देखें तो देखिए इस तरह से ये यमुना नदी से लेकर यहाँ सुंदरबन डेल्टा तक फैला हुआ है, समझिएगा गंगा का मैदान, और गंगा के मैदान को तीन भागों में बांटा गया है। ये तीन भाग कौन कौन से हैं? देखिए इसको हमने अलग अलग कलर्स दिखाया हुआ है,
और यहाँ पे इसका विभाजन किया हुआ है। ए को कहा जाता है ऊपरी गंगा का मैदान, देखिए यहां तक ऊपरी गंगा का मैदान। इसके इधर अगर हम देखें तो ये दक्षिण गंगा का मैदान, सॉरी मध्य गंगा का मैदान, और नीचे ये सी वाला पोर्शन है, ये निचली गंगा का मैदान, ठीक निचली। अब जरा देखते हैं इसको क्रमशः। देखिए वास्तव में जो गंगा का मैदान है वो उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल फैला हुआ है, और मुख्यतः यहां पर ये गंगा नदी के आसपास उनकी सहायक नदियों के बेसिन में फैला हुआ है। गंगा नदी बेसिन जो इसकी सहायक नदियां हैं वो भी इसमें समाहित है, ध्यान दीजिएगा। तो वास्तव में जो गंगा का मैदान है उसको हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, जो ऊपरी गंगा का मैदान है वो गंगा यमुना दोआब, यानी कि जो गंगा यमुना का क्षेत्र है उसके बीच में दोआब है, वास्तव में वहां फैला हुआ है। रुहेलखंड का भाग भी आता है इसमें और कुछ भाग आगरा तक का ये कवर करता है, ठीक है। इसका ढाल अगर हम देखें तो इसका ढाल उत्तर में काफी तीव्र है, काफी अधिक है, इधर आते आते थोड़ा कम हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा उत्तर बिहार, ठीक है, उत्तरी बिहार तक पूरा फैला हुआ है। वास्तव में इसका अगर देखें तो जो उत्तरी भाग है इसका निर्धारण करता है वो शिवालिक की पहाड़ियां करती हैं। अगर हम देखें तो वहीं दक्षिण में अगर हम देखें तो ये पूरा इलाहाबाद फैजाबाद जो रेल मार्ग है ये पूरा इसको कवर करता है, एक तरह से उसी के पोर्शन में ये कवर करते हुए चला जाता है। ये क्षेत्र ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंकड़ पत्थर एकदम नहीं पाए जाते, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, समतल क्षेत्र होता है, मैदान होता है और बहुत अधिक उपजाऊ होता है। लेकिन इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि यह नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन किए जाने का प्रसिद्ध है। हम जानते हैं कि एक नदी है बिहार में, जानते हैं आप, जिसे कहते हैं कोसी नदी। कोसी नदी हम जानते हैं कि मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, और इस नदी को हम जानते हैं बिहार का सूप कहते हैं। बिहार का सूप, ध्यान दीजिएगा, ये क्षेत्र समझिएगा। अगर दक्षिण में देखें थोड़ा सा गंगा नदी के, तो इस क्षेत्र में सोन नदी आती है। अगर इसके बाईं ओर देखें गंगा नदी के तो यहाँ पे कई नदियां आती हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, इसके पहले अगर हम देखें गोमती भी थी, घाघरा, राप्ती, गंडक, ये सारी प्रमुख नदियां इस क्षेत्र में आती हैं और अपने साथ कई अवसाद लेकर आती हैं, इसको छोड़ती हैं। इस कारण से इन क्षेत्रों के जो दोआब हैं वो बहुत ही उपजाऊ हो जाते हैं, समझिएगा। दोआब, नदियों के दोआब मैंने प्रारंभ में बताया है आपको कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में कई नदियां होती हैं, कई नदियां हैं, ठीक है, ढेर सारी। हम जानते हैं कि गोमती नदी है, ठीक है, घाघरा है, गंडक है, ठीक है, कई नदियां हैं, राप्ती है, इधर सोन नदी आती है। तो ये क्षेत्र जो है कई काफी उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है। इधर हम देखें तो ये जो मध्य क्षेत्र है तो कोसी नदी यहाँ पे मार्ग परिवर्तित सर्वाधिक करती है, इसलिए उन्हें बिहार का शोक कहते हैं। और ये क्षेत्र ऐसा है मध्य गंगा का मैदान जो कि जहां पे बाढ़ की बारंबारता देखी जाती है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि बाढ़ जो होता है जहां पे आता है खादर क्षेत्र का होता है, वो खादर मृदा बनाती है, बार बार बाढ़ जो आती है और वो उपजाऊ क्षेत्र अधिक होता है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, हमने पहले ही प्रारंभ में वीडियो के चर्चा किया, ठीक है। इसीलिए तीसरा जो मैदान है, देखिएगा इस क्षेत्र में गंगा का मैदान, उसे कहते हैं निचली गंगा का मैदान। निचली गंगा का मैदान जो है वास्तव में कुछ भाग उत्तर प्रदेश के साथ लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल, संपूर्ण पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में भी कई नदियां हैं, हम जानते हैं,
इस चित्र में अगर देखें तो महानंदा नदी, अजय नदी, अजय अजय महानंदा, दामोदर नदी, दामोदर नदी भी इधर जाती है और इस क्षेत्र में काफी ज्यादा अवसाद लेके जमा करती है। हम जानते हैं जो दामोदर नदी है यहाँ पे वो बंगाल का सोख कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, दामोदर नदी इसे कहते हैं बंगाल का सोख। तो ये सारी नदियां यहां भी बाढ़ आती है लेकिन सर्वाधिक बाढ़ मध्य गंगा के मैदान में। हम जानते हैं कि गंगा नदी जाती है इस क्षेत्र में, मिलती हैं बंगाल खाड़ी में, गिरती हैं और वहां पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, समझिएगा। और ये क्षेत्र जो सुंदरबन डेल्टा है बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, समझिएगा, बंगाल टाइगर इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो निचली गंगा का मैदान ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम जानते हैं कि यही वह क्षेत्र है जहां पे देखिए क्योंकि बाढ़ भी है, बरसात भी ठीक ठाक होती है, ये क्षेत्र जो है जूट के उत्पादन के लिए देखिए वैसे ही प्रसिद्ध है। हम जानते हैं यहाँ पे जूट काफी होता है, बंगाल में जूट अग्रणी है। और देखा जैसा हमने कि यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा प्रमुख भूमिका अदा करता है, ठीक है। यहीं पे न्यू मूर द्वीप, गंगा सागर द्वीप आदि भी यहाँ पे, ठीक है। ये अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान का, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र नदी मैदान है उसे हम असम घाटी का मैदान भी कहते हैं, उसे असम घाटी भी कहा जाता है। देखिए हम जानते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मानसरोवर से निकलने के बाद तिब्बत चीन से होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करने के बाद जब ये असम में पहुंचती है तो असम में, असम के आगे बढ़ने पर ये थोड़ा क्षेत्र समतल क्षेत्र मिल जाता है। समतल क्षेत्र मिलने से इस क्षेत्र में जल का फैलाव हो जाता है, जल फैल जाता है। अब नदी जो है चूंकि काफी दूरी कवर करके आती है और ये अपने साथ ढेर सारे अवसाद को लेकर, अवसादों को ये अपने रास्ते में जमा करती रहती है। देखिए जब ब्रह्मपुत्र नदी असम के आगे बढ़ती है तो ये अपने अवसादों को छोड़ती जाती है जिससे इस क्षेत्र में दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। दलदली क्षेत्र का यहां पे देखिएगा इस तरफ, इस क्षेत्र में दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो दलदली क्षेत्र जो होता है चूंकि अवसाद होते हैं और नदी अपने साथ जल भी लिए रहती है तो इन क्षेत्रों में जो है सघन वन का निर्माण हो जाता है, सघन वन पर अपने लगते हैं। सघन वन जो होते हैं आप जानते हैं इन क्षेत्रों में जो सघन वन वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे वनस्पतियां अच्छी हो जाती हैं, जीव जंतु अच्छे हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी के जो मैदान वाला क्षेत्र है वहां पे काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बाई ओर स्थित है। यहाँ पे एक शनि गंडा प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिनी ओर मानस बाघ अभयारण्य जो कि मानस नदी के बाएं तट पे है, वहां पे बाघ का संरक्षण किया जा रहा है। तो इन क्षेत्रों में गैंडा बाघ के अलावा हाथी खूब पाए जाते हैं। तो देखिए इस तरह के जो जानवर हैं जो है यहाँ पाए जा रहे हैं, कारण क्या है, यह क्षेत्र थोड़ा सा उपजाऊ है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान जो है वास्तव में अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान मेघालय, मेघालय के पठार और हिमालय के मध्य में स्थित एक सकरी पट्टी है जो लगभग 80 किलोमीटर चौड़ी है। 80 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। यहां पर एक द्वीप पाया जाता है, नदी द्वीप हम जानते हैं जिसे कहते हैं माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, समझिएगा। वर्तमान में हालांकि इसका कटाव हो रहा है, ठीक है।
तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान था, इसको आप देखेंगे ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी हम जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान थोड़ा सा और आगे देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है आप जानते हैं गंगा नदी मिलती है और गंगा नदी जाके बंगाल खाड़ी में जहां गिरती है वहां पे सुंदरबन डेल्टा जो बनता है, समझिएगा सुंदरबन डेल्टा वास्तव में ये निचली गंगा के मैदान का क्षेत्र होता है ठीक है। तो ये भी काफी मैदानी क्षेत्र होता है। तो इस तरह से ये मैदानी क्षेत्र का चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।